हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक की डायग्राम है, और आपको ये मैं बताऊँ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट को स्टडी करना है हमने अपनी ज़मीन पे अप्लाई करके। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा वर्ड लिखा है, अंडरस्टैंड फिनोमेना। ग्रीन हाउस इफेक्ट को अगर हम डायरेक्ट ज़मीन की एग्जांपल सामने रख के स्टडी करेंगे तो स्टूडेंट आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको समझाने के लिए हमें एक जो है ग्रीन हाउस की एग्जांपल देनी पड़ेगी, और बाद में फिर मैं आपको ज़मीन के बारे में बताऊँगा। स्टूडेंट, ग्रीन हाउस क्या होता है मेरी बात को सुनिएगा। आपके घरों में, आपके गार्डन के अंदर, कुछ फॉरेस्ट के साथ लोगों ने ग्रीन हाउस बनाए होते हैं, जिनके अंदर वेजिटेबल हैं, छोटे छोटे फ्रूट हैं, प्लांट हैं, सीडलिंग हैं। उसमें स्टूडेंट क्या होता है कि ऐसे, फॉर एग्जांपल आप ये फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास एक ग्रीन हाउस है। उसको ग्रीन हाउस इसीलिए कहते हैं कि हम वहाँ पे जो है ग्रीन प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं, वेजिटेबल और फ्रूट वगैरह को। अक्सर लोगों ने घरों में ग्रीन हाउस बनाए होते हैं। अब वो जो ग्रीन हाउस है ना, उस ग्रीन हाउस के ऊपर एक ग्लास की शीट बनी होती है। वो जो ग्लास की शीट है ना, उस शीट के अंदर से सन की लाइट आती है उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वो शीट ग्लास की क्यों बनाई होती है या क्यों लगाई है। वो हमने एनवायरनमेंट इंटेंस कंडीशन से, क्लाइमेट इफेक्ट से बचाने के लिए, कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो उससे बचाने के लिए हमने उसके ऊपर ग्लास की शीट, या उसके साथ हमने उसके ऊपर जो है पॉलीथीन बैग की शीट लगाई होती है। जिस तरह हम टनल्स में अगर देखें खेतों में, तो हमने वेजिटेबल के ऊपर ना वो पॉलीथीन बैग की शीट सी चढ़ाई होती है, वो बैग होते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि भाई ग्रीन हाउस के अंदर ना हमने जितनी भी वेजिटेबल लगाई हुई हैं उनके ऊपर ग्लास शीट है। यहाँ से सन की लाइट जब ग्लास शीट को क्रॉस करके ग्रीन हाउस के अंदर आएगी, अब यहाँ पर आपने क्या देखना है कि ये जो ग्रीन हाउस है ना, जिस जगह पे हमने डिफरेंट प्लांट्स हैं, वेजिटेबल हैं और इसके साथ फ्रूट हमने यहाँ पे ग्रो करवाए हुए हैं, होता स्टूडेंट इस तरह है कि जब इसके अंदर सन की लाइट आएगी, आने के बाद आपको पता है कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा हो रही है, और इसके अलावा इंफ्रा रेड रेडिएशन। यहाँ पे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, मैं इंफ्रारेड रेडिएशन की एग्जांपल बताने लगा हूँ। आपके ग्रीन हाउस के अंदर जब सन की लाइट आई, सन की लाइट के अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन भी होती हैं। जब इंफ्रारेड रेडिएशन ग्रीन हाउस के अंदर आएंगी, अंदर आने के बाद जब ये दोबारा वापस जाने लगेंगी, तो जो ऊपर ग्लास शीट है ये इसको रोक देगी, ये इसको दोबारा वापस नहीं जाने देगी, दोबारा इमिट नहीं होने देगी। इसका मतलब है वो इंफ्रारेड रेडिएशन हमारे ग्रीन हाउस के अंदर ही रह जाएगी। स्टूडेंट, जब हमारे ग्रीन हाउस के अंदर वो रह जाएगी तो उससे हमें क्या होता है कि उससे आपके ग्रीन हाउस का इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। मेरी बात को अंडरस्टैंड करना है। इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सॉइल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्लांट्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिन इलाकों में सख्त सर्दी पड़ती है वहाँ पे ग्रीन हाउस काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है वेजिटेबल को ग्रो करवाने के लिए। समझ आ गई इसकी। अब देखिएगा, इसी ग्रीन हाउस को अब अप्लाई करें ज़मीन पे। स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमारी ज़मीन है एक ग्रीन हाउस, उसके ऊपर प्लांट हैं, सन की लाइट आ रही है, ओजोन लेयर को क्रॉस करके ज़मीन पे। अब ज़मीन पे वही काम कि जब यहाँ से केमिकल रिएक्शंस या जो भी होना है, लाइट जितनी प्लांट ने ऑब्जर्व करनी है, बाकी की इंफ्रारेड रेडिएशन वापस जो है स्पेस में चली जाती हैं। लेकिन एक बात ये है, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन केसेस में इनसे निकलने वाली गैस, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जब ये जाएंगी तो ये गैसेस जमीन को पूरी को सराउंड कर लेंगी। मेरी बात को सुनना है, जमीन को जब सराउंड करेंगी
सन से जब लाइट आएगी, सन से अब सुनिएगा, अब ग्रीन आपकी ज़मीन को, आपका ज़मीन यहाँ पे ग्रीन हाउस है, इसको सराउंड किया हुआ है उन गैसेस ने। स्टूडेंट जब सन की लाइट आएगी गैसेस को क्रॉस करके ज़मीन पे, ज़मीन पे आने के बाद जब इंफ्रारेड रेडिएशन वापस जाएंगी ना, तो वो जो गैसेस की एक लेयर बनी हुई है वो यहाँ पे उसी तरह काम करेगी जिस तरह यहाँ पे ग्लास शीट ने काम किया था कि इंफ्रारेड रेडिएशन को वापस स्पेस में नहीं जाने देगी। स्टूडेंट जब ये गैसेस स्पेस में नहीं जाने देंगी इंफ्रारेड रेडिएशन को, तो हमारे पास क्या होगा, हमारी अर्थ की टेम्परेचर बढ़ेगा, प्लांट जो है उनके लिए साजगार टेम्परेचर नहीं रहता, उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग होगी। जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो आपको पता है कि ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ते हुए ग्लेशियर्स पिघलते हैं, आइस कैप्स जो हैं वो पिघलती हैं, नॉर्थ और साउथ पोल पे जो बर्फ़ जमी हुई है एंटार्कटिक रीजन में वो पिघलती है। जब ये मेल्ट होती हैं तो हमारे पास क्या होगा कि फ्लड आते हैं, और उस केस में हमारे क्लाइमेट पैटर्न चेंज हो रहा है, उसके अलावा आपके जो सी एंड ओशन रिवर्स के पाथवे हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो ये सारे का सारा जो है हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट में ही आता है। तो मेरी बात को याद रखिएगा कि सारी गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट में काम करती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सही ग्लास शीट के तौर पे काम करती है, इन्फ्रारेड रेडिएशन को स्पेस में दोबारा वापस नहीं जाने देती। तो ये मेरा बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था, ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने अभी कॉम्प्लीट किया। तो स्टूडेंट हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए।